नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा के सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को आखिरकार 17वें दिन बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ ने पाइप के जरिए एक एक करके सभी शमवीरों को बाहर निकाल लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों की अगवानी की और उनका हौसला बढ़ाया। सभी मजदूरों को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद मजदूरों के परिजनों, रेस्क्यू टीम और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। टीएमसी के एक विधायक ने हाल ही में कहा है कि अभिषेक बैनर्जी का नेतृत्व पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। 23 नवंबर को पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम से अभिषेक गायब थे, तब पार्टी के एक नेता ने कहा था कि कार्यक्रम में कम से कम उनकी एक तस्वीर होनी चाहिए थी। एक नेता ने कहा था कि कार्यक्रम जल्दबाजी में आयोजित किया गया। तो क्या इन बयानों और घटनाओं से पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत मिलता है? 23 नवंबर को हुए कार्यक्रम में पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की अनुपस्थिति को लेकर पार्टी में हलचल के संकेत मिलते हैं। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुए उस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तब अभिषेक वहां नजर नहीं आए थे। कार्यक्रम के अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि कार्यक्रम में महासचिव की तस्वीर होनी चाहिए थी। कुणाल घोष को अभिषेक का करीबी माना जाता है। एक बंगाली समाचार चैनल के हवाले से द हिंदू ने रिपोर्ट दी है कि कुणाल घोष ने कहा था, पुराने और नए के बीच कोई झगड़ा नहीं है, ये अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ममता के बारे में बात नहीं है, दोनों एक हैं, पार्टी को इन दोनों की जरूरत है। हालांकि मुझे लगता है कि अभिषेक बैनर्जी के बिना तृणमूल का कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता, उनकी तस्वीर कल कार्यक्रम में होनी चाहिए थी। कुणाल घोष की टिप्पणी के 3 दिन बाद एक और ऐसी टिप्पणी आई। सोमवार को पार्टी के एक अन्य नेता मदन मित्रा ने कहा कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम जल्दबाजी में आयोजित किया गया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के एक अन्य विधायक तापस रॉय ने भी अभिषेक बैनर्जी का समर्थन किया और कहा कि अभिषेक का नेतृत्व पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को स्पीकर ने पूरे विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया है। उन पर कथित तौर पर विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। शुभेंदु को विधानसभा से सस्पेंड करने का प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक तापस रॉय लेकर आए। बता दें, विपक्ष का नेता बनने के बाद यह दूसरी बार है जब नंदीग्राम के भाजपा विधायक को सदन से निलंबित किया गया है। शिवसेना यूटीबी नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिंदे के तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पर उद्धव ठाकरे ने उन्हें हाड़ियातों लिया। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि बेमौसम बारिश के कारण महाराष्ट्र की फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सीएम शिंदे तेलंगाना में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम शिंदे से बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट बैठक बुलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द सहायता देने की भी वकालत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में बेमौसम बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से अधिक मवेशी मारे गए। सीएम शिंदे पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, जो अपने राज्य की चिंता ही नहीं करता, सिर्फ दूसरे राज्य के चुनाव प्रचार में व्यस्त है, वो राज्य में सरकार चलाने के लायक नहीं है। बता दें, सीएम शिंदे ने भाजपा के लिए तेलंगाना में प्रचार किया था, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने उन्हें जमकर घेरा। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने कहा है कि भारत केवल कनाडा से आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में प्रासंगिक सबूत की मांग कर रहा है, ताकि वो कनाडा को जांच के निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सके। उन्होंने आगे कहा कि मतभेदों के बजाय भारत कनाडा संबंधों को मिलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली अभी भी व्यापार संबंधों के लिए खुला है और ओटावा से यहाँ और अधिक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने का आग्रह करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 9 दिसंबर को विदेश यात्रा पर जाने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सिंगापुर और मलेशिया में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया में वो राजनयिकों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि उनके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मिलने की संभावना है। राहुल गांधी का यह दौरा 5 राज्यों के नतीजों के बाद होगा। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने ऑटो में बैठकर हैदराबाद शहर की यात्रा की। कांग्रेस ने मंगलवार को इसका फोटो जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर राहुल गांधी की ऑटो में बैठे हुए तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि उन्होंने ऑटो ड्राइवर से कहा कि मुझे ऑटो से हैदराबाद दिखाओ। उनकी इच्छा पूरी करते हुए एक हंसमुख ऑटो चालक ने उन्हें शहर की मनोरम यात्रा कराई। राहुल गांधी की ऑटो में बैठे तस्वीर शेयर करने के साथ ही कांग्रेस ने एक्स पर ऑटो ड्राइवरों, गिग वर्करों और सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुनते तस्वीरें भी साझा की हैं।
इन तस्वीरों में दिख रहा है कि राहुल समाज के निचले तबके के लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान राहुल ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की भी जानकारी दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज एक साथ आकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि तेलंगाना की जनता के साथ मेरा राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है। मैं और मेरी बहन आपसे राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक और दिल का रिश्ता चाहते हैं। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि तेलंगाना में 10 साल से बीआरएस की सरकार है, क्या आपको रोजगार मिला, क्या आपको घर मिला, क्या इस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ किया? केसीआर ने अपने परिवार के लोगों को मंत्री बनाया, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये देश की पहली सरकार है जो फार्म हाउस से चलती है। लोक पोल ने तेलंगाना को लेकर अब एक और प्री पोल सर्वे जारी किया है और इसको अपना अंतिम आंकड़ा बताया है। इस सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस को 72 से 74 सीटें मिल सकती हैं और बीआरएस को केवल 33 से 35 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा बीजेपी को 2 से 4 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। इससे पहले तेलंगाना को लेकर जारी सर्वे में कांग्रेस को 69 से 72 सीटें दी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की सीटों में और इजाफा हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीआरएस के नेता आलसी और भ्रष्ट हो गए हैं। अब आप तय कीजिए कि आपको आलसी और भ्रष्ट सरकार चाहिए क्या, या फिर दिन रात जनता के लिए काम करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए। इसलिए बाय बाय केसीआर। प्रियंका ने जनता से कहा कि यहाँ के नौजवानों, किसानों और महिलाओं ने अपना बलिदान देकर तेलंगाना बनाया है। इस जमीन में आपका खून पसीना मिला हुआ है, इसलिए इसकी हिफाजत आपको ही करनी पड़ेगी। 10 साल से आप जिस केसीआर सरकार को देख रहे हैं वो आपकी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ रही है। वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट से पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने बवाल कर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग को छेड़छाड़ का वीडियो दिखाकर बालाघाट कलेक्टर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पर स्ट्रांग रूम से पोस्टल वोट निकालकर उनमें हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स हैंडल पर लिखा, प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्टी ने की है। ये अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वो मुस्तैद रहें और कोई गड़बड़ी ना होने दें। वहीं कांग्रेस ने एक डीएम का वीडियो जारी किया है जिसमें वो कबूल कर रहे हैं कि नियम विरुद्ध स्ट्रांग रूम खोला गया। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को जो समय दिया उससे पहले ही स्ट्रांग रूम खोल दिया गया। जो कुछ भी बालाघाट में हुआ वो असामान्य है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है, हे चुनाव आयोग, क्या इस कबूलनामे के बाद भी इन्हीं को कलेक्टर रखोगे? क्या लोकतंत्र की रक्षा करने का झूठा अभिनय भी नहीं करोगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें कांग्रेस नेता कह रही हैं कि बालाघाट कलेक्टर का नया कारनामा सामने आया है। कल अनाधिकृत रूम से स्ट्रांग रूम खोलने और पोस्टर बैलेट से छेड़छाड़ करने के बाद आज स्ट्रांग रूम की लाइट बंद, सीसीटीवी बंद, पूरे स्ट्रांग रूम में अंधेरा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहां हो चुनाव आयोग? क्या बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट है? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि बड़े चैनल का एग्जिट पोल लीक हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 142 से 147 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है और बीजेपी को 75 से 80 और अन्य को 3 से 8। वोट फीसदी में कांग्रेस को 46.3%, बीजेपी को 42.1% और अन्य को 11.6% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जीत रही है कांग्रेस, जीत रहा है मध्य प्रदेश। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में लगभग 3 महीने तक चले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की रिपोर्ट आज वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश होनी थी, लेकिन एक बार फिर एएसआई ने ज्ञानवापी के किए गए सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने के लिए 3 हफ्तों तक का वक्त मांगा है। मतलब सर्वे रिपोर्ट आज भी कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी समय से गहमागहमी थी। अब अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। हिंदुस्तान टाइम्स और स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कहा कि हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़का। एक मुस्लिम विधायक ने एक दिन पहले यहां के समय माता मंदिर में चल रही रामकथा में हिस्सा लिया था। उनके जाने के बाद मंदिर को शुद्ध किया गया। डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक सईदा खातून ने कहा कि उन्हें रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धार्थनगर जिले के बलवा गाँव में समय माता मंदिर की प्रबंधन कमेटी ने आमंत्रित किया था। पुलिस ने बताया कि रामकथा कार्यक्रम के बाद
स्थानीय पंचायत के अध्यक्ष और कुछ अन्य हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को मंदिर का दौरा किया, गंगा जल छिड़का, हनुमान चालीसा का पाठ किया और विधायक सईदा खातून के खिलाफ नारे लगाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को महात्मा गांधी को पिछली सदी का महापुरुष बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस सदी का युग पुरुष बता दिया। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सदी के महान शख्सियत का अपमान है। धनखड़ के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जब दुनिया में लोग उत्पीड़न और प्रतिरोध के नाम पर युद्ध और हिंसा जानते थे, उस समय महात्मा गांधी ने अहिंसा की पहल को मजबूत किया और उसे चलन में लेकर आए। वो एक सेकुलरिस्ट थे। महात्मा गांधी को 20वीं सदी की सबसे ऊंची शख्सियत माना गया है। बाद में जो किसी हद तक उनके कद तक पहुंच पाए वो थे नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी की तुलना किसी से भी कर देना महात्मा गांधी का अपमान है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20वीं सदी के सबसे महान आदमी को इस तरह कमतर दिखा जा रहा है। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों में कटौती का सरकारी आदेश विवादों में आ गया है। शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की जो सूची जारी की है उसमें कई त्योहारों पर छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, भाई दूज, जितिया और हरितालिका तीज जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक साल में कम से कम 220 दिन स्कूल खुले रहेंगे, इसके लिहाज से छुट्टियों की सूची तैयार की गई है। बिहार में छुट्टियों के इस कैलेंडर पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होने को पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने इसे नीतीश कुमार सरकार का तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के महापर्व शिवरात्रि, जन्माष्टमी पर छुट्टियां काट दी गई हैं और ईद और बकरीद जैसे मुसलमानों के त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। इसी कारण से अररिया, पूर्णिया और कटिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। ऐसा लगता है कि ये सरकार शुक्रवार को इस्लामिक छुट्टी की योजना बना रही है और अगर उन्होंने ये छुट्टी बहाल नहीं की तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर एन्क्लेव की स्वास्थ्य प्रणाली को जल्दी से अपने पैरों पर वापस नहीं लाया गया तो गजा में बम विस्फोटों की तुलना में बीमारियों से अधिक लोगों के मरने का खतरा है। प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा, हम बमबारी की तुलना में बीमारी से अधिक लोगों को मरते हुए देखेंगे अगर हम इस स्वास्थ्य प्रणाली को वापस लाने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने गजा शहर में अल शिफा अस्पताल के ढहने को एक त्रासदी बताया और इजरायली बलों द्वारा इसके कुछ चिकित्सा कर्मचारियों को हिरासत में लिए जाने पर चिंता व्यक्त की। पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया और अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।